आखिरकार वो ट्रिप हमने स्टार्ट कर दी है। ये है कुछ स्टार्टिंग के पड़ाव जहाँ से हमने ट्रिप स्टार्ट किया है। 22 किलोमीटर है, 16 लिखा है, बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे चलना है, आराम से चलना है। बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता रहूँगा। जय शिव शंभू। तो बाबा केदार की यात्रा की शुरुआत हमने हरिद्वार से की, क्योंकि हम लोग ग्रुप में थे तो हमने एक टेम्पो ट्रैवलर कर लिया था। आप लोगों को शेयरिंग टैक्सी और बस भी आसानी से मिल सकती है सोनप्रयाग के लिए। सोनप्रयाग आपका बेस पॉइंट होने वाला है। वहां से 5 किलोमीटर दूर आगे आना पड़ेगा आपको गौरीकुंड, जहां तक टैक्सी आपको छोड़ने के लिए 50 रुपये लेगी, और यहीं से आपकी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। हर हर महादेव। केदारनाथ धाम आने के लिए आपको हरिद्वार से स्टार्ट करते हुए ऋषिकेश, श्रीनगर, देवप्रयाग, सोनप्रयाग से गुजरना होगा। आपको पूरा दिन का समय लग जाएगा हरिद्वार से गौरीकुंड या सोनप्रयाग तक पहुंचने में। और ये देख सकते हैं आप लोग, इधर जेंट्स के लिए हो रहा है गर्म पानी और उधर आगे लेडीज़ के लिए है। तो आप लोग जैसे केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप लोग यहाँ पे आके स्वेच्छा से स्नान कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे गर्म पानी है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है यार। ऐसे ऐसे रास्ते में आपको घोड़े की भी सुविधा मिलेगी। गवर्नमेंट रेट जो है वो 2950 है, दोनों तरफ का करेंगे 5000 लमसम आपको पड़ जाएगा। तो आप ये भी सुविधा ले सकते हैं जिनको मेडिकल कंडीशन है और जिनसे चढ़ा नहीं जा सकता। साथियों, चढ़ाई देख रहे हो आप, पता नहीं लग रहा होगा लेकिन आप जब गवाओगे ना, जब आपका दिल लगता करेगा एकदम शौक की रफ्तार से, तब पता लगेगा। बिलीव मी, बहुत स्टीप चढ़ाई है। बिना बोले जूस पानी के साथ कुछ खाते पीते रहिए हर 3-4 किलोमीटर पे, एंड तब चढ़ाई करिए। वो देखिए सीधा चढ़ाई चढ़ती जा रही है। लेट्स कंटिन्यू। केदारनाथ ट्रैक सच में यार बहुत ही खूबसूरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये आप सीन देखिए। झरनी, हरियाली, पहाड़, पेड़ पौधे, क्या चाहिए आपको यार। और ये देखिए हमारे श्रद्धालु लोग घोड़ा खींचकर सब एक साथ भगवान भोले के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मुश्किल से अभी हम लोग 4-5 किलोमीटर आए हैं, लेकिन हालत इतनी ख़राब हो गई है थक के कि क्या बताऊँ, बहुत थकावट हो रही है। और ये है यहाँ का बाइफर्केशन। मैं आपको बताता हूँ, ये रास्ता यहाँ से पैदल यात्रियों के लिए निकल जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, मोस्टली आपको खच्चर लोग ही दिखेंगे जाते वक्त। ये रास्ता जरा सा 1-1.5 किलोमीटर ज़्यादा भी पड़ेगा। वो देख रहे हैं आप, सीधा होके हमें वहाँ जाना है। तो ये रास्ता मत लीजिएगा, अगर आप आ रहे हैं पैदल हैं तो ये वाला रास्ता प्रेफर कर लीजिएगा जिसके ऊपर जा रहा है वहाँ पर। ये देखिए सब खच्चर यहीं से जाएंगे, आपको रास्ते में वहाँ पर ऊपर मुश्किल से कोई खच्चर मिलेगा, सिर्फ आने वाले दिखेंगे, जाने वाले कोई नहीं। तो ये रास्ता मत लीजिएगा। देखिए हमें उस पॉइंट पे जाना है, वहाँ पे एक टावर है, वहाँ से और 4 किलोमीटर केदारनाथ धाम। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा झरनों के साथ, सच बता रहा हूँ ये ट्रैक आपको लाइफ में एक बार करना चाहिए। बाबा क्यों, वो देखो वो बैठे हैं वहाँ मेरे महादेव, वहीं तक जाना है बस। जय हो। मतलब बाबा हेलीकॉप्टर और घोड़े खच्चर से तो सब करते हैं, लेकिन जो पैदल का मज़ा है वो आप क्या कहोगे, आप कहीं नहीं मिलेगा भाई। आप हेलीकॉप्टर से 10 मिनट में जाओगे, 10 मिनट में वापस आ जाओगे। बिल्कुल ठीक है। घोड़े खच्चर से भी 3-4 घंटे होता है। अगर आपके अंदर खुद की तथा नहीं है तो क्यों जा रहे हो। बिल्कुल श्रद्धा है तो भगवान ने बुलाया तो आप जरूर पहुंच जाओगे।
पैदल ही सही क्यों ना, है ना? बिल्कुल सही कहा। धीरे धीरे प्रगति का आनंद लेते हुए चले। एकदम शुद्ध पानी है, आप इसको पी सकते हैं। सच में बहुत और इतना नेचुरल, इतना स्वादिष्ट होगा ना, इतना ठंडा नहीं, भर लूं क्या पानी? स्वीट पानी, सच में बहुत बहुत ही मतलब ठंडा पानी है। काफी सकरे हुए रास्ते हैं जिगजैग में, और थकावट तो पूछो मत यार, गजब की थकावट हो रही है। देखिए ऊपर तक जाना है अभी, और अभी आधा हुआ है। हाँ अभी 7 किलोमीटर और बाकी है। चलिए कंटिन्यू करते हैं सफ़र को। और ये देखिए आप लोग, अभी 10 मिनट पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बट ट्रस्ट में अभी इतने उड़ते उड़ते बादल आ गए, मौसम अचानक चेंज हो गया, धूप चली गई, इसीलिए जगह को कहा जाता है कि ये स्वर्ग क्यों है। सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ महादेव का वास है। स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता है ये। देखिए कितना प्यारा लग रहा है आसपास का जगह, मौसम इतना ठंडा हो रखा है कि पूछिए मत। मुझे अपनी सिटी की याद आ रही है लखनऊ, कितना गर्मी होता था, एंड अब यहाँ पे रिलैक्स हो गया एकदम। और ट्रिप तो पूछिए मत, बहुत अच्छी जा रही है। बाय द वे ये मेरी टीम में है जो कि हमारे साथ ट्रिप कर रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कितना खूबसूरत झरना, मन कर रहा है नहा ले यार, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। देखने में ठंडा नहीं लग रहा है पर ठंडा पानी बहुत है यार। पीने में तो पूछिए मत, आरओ को फेल कर दे। मैंने रिसेंटली नीचे पिया था, आपने शायद देखा होगा, मतलब क्रिस्टल क्लियर वाटर है यार। आप लोग ट्रिप पे आ रहे हैं तो मेडिसिन लाना मत भूलिएगा, क्योंकि बीच रास्ते में कभी भी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। मेडिसिन में आप लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं स्क्रीन पे मैं बता दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक दो चीज़ें कम हो जाए चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड जो मेडिकल कंडीशन वाले हैं उनको तो सख्त सख्त मना है, वो लोग तो चॉपर जो हेलीकॉप्टर की सेवा है वही लेके जाएं, क्योंकि ट्रैक वाकई डिफ़िकल्ट है। मैं बता रहा हूँ, खुद एक्सपीरियंस करेंगे आप लोग कभी आएंगे तो। देखिए केदारनाथ ट्रैक में आपको रास्ते में ऐसे खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप आइटम लेंगे कुछ भी, उसका यहाँ पर डबल रेट है। जैसे ये जो फैंटा पेप्सी मिरिंडा जो भी आप देख रहे हैं ये लगा हुआ है यहाँ पर, अगर 20 का है तो 40 डिमांड करते हैं, आई डोंट नो क्यों, बट या यही इशू है थोड़ा यहाँ पे, बाकी तो कोई इशू नहीं। बाकी आपको खाने पीने के लिए सब मिल जाएगा यहाँ पे, फ्रूट वगैरह, बाकी खाने पीने के रेस्टोरेंट सब चीज़ें हैं, तो ऐसा कोई खास इशू नहीं होगा आपको थ्रू आउट द ट्रैक। देखिए जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वही हुआ, और मौसम का मिजाज अचानक से बदला और बारिश जो है चालू हो गई। क्यों गुरु, अचानक से बारिश शुरू हो गई भाई। हाँ और चारों तरफ आप लोग देख रहे हो, मंदिर अभी भी 5 किलोमीटर है, और कैसे भी करके बाय हुकर 4 बजे पहुंचना है हमें, क्योंकि 4 बजे कपाट खुलते हैं, 2 से 4 बंद रहता है। तो रेनकोट तो खैर हम लाए थे, चलो कुछ तो भला किया आपने, आप लोग मत भूलिएगा प्लीज़। साथियों जो रास्ता है इतना लंबा है, बिलीव में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी तक हम ट्रैक कर रहे हैं, इतना लंबा है कि मुझे शॉर्टकट्स लेने पड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? अदरवाइज़ वो रास्ता पूरा वहाँ से घूम के आता है, यहाँ से गया वहाँ से पूरा ये, एंड बिलीव मी हर एक पल में सांस घुट रही है। हालत आप देख ही रहे हो, बारिश और ऊपर से पत्थरों से गुजरना पड़ रहा है, बहुत चैलेंजिंग ट्रैक है ये।
चलिए खैर करना तो है ही है, क्योंकि अब यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया है। और यहाँ से जो है लास्ट चढ़ाई है, अगेन बर्फ थोड़ी सी, ये हमारी लास्ट चढ़ाई, इसके बाद बेस कैंप लगेगा एंड देन वहाँ से हमारा 1 से 1.5 किलोमीटर में केदारनाथ भगवान का मंदिर, जिसके लिए हम सुबह 5 बजे से कंटिन्यूसली जो है चले जा रहे हैं, उनके दर्शन होंगे। 4 बजे तक बंद रहते हैं कपाट, और 4 बजे के बाद कपाट खुलते हैं तो दर्शन होते हैं। अच्छा लग रहा है। फाइनली मैं पहुंच गया हूं बेस कैंप में, यहां पे आपको रूम वगैरह मिल जाएंगे, गवर्नमेंट प्लस टेंट वाले भी हैं। टेंट वाले जो रहते हैं मोस्टली 800-1000 के ऊपर रहते हैं, इतनी क्लासिक क्वालिटी नहीं रहती। बाकी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 500 से स्टार्ट होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रूम होते हैं। और ये वो पॉइंट है जिसके आगे से जो खच्चर है वो जाता नहीं है, सो अगर आपको नहीं वापस नीचे जाना है तो आपको यहीं से खच्चर वगैरह करने पड़ेंगे। केदारनाथ मंदिर की लोकेशन बहुत ही यूनिक है। ये मंदिर बीती सदियों के दौरान काफ़ी चुनौतियों का सामना कर चुका है। आस्थावान लोग इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं। आप लोग मानेंगे नहीं, लेकिन 2013 की त्रासदी के बाद भी मंदिर को छोड़िए बल्कि उसके बेस तक को कुछ नहीं हुआ। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा ये मंदिर सचमुच में एक अजूबा है। मंदिर में रोपवे का भी काम चल रहा है, जिससे फ्यूचर में आप सीधा गौरीकुंड से मंदिर तक 1 घंटे के अंदर पहुंच सकेंगे। यहां आने का सबसे बेस्ट टाइम है मई जून, फिर बारिश आती है तो अवॉइड करें क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर उसके बाद आप लोग सितंबर अक्टूबर में आ सकते हैं क्योंकि दिवाली के ठीक 1 दिन बाद श्री केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं। तो फाइनली मंदिर से जस्ट 50 मीटर दूर हमने एक होटल है जिसका नाम है शिवपुरी होटल, उसमें रूम लिया है, और रूम की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। मैं बताऊँ, हम लोग चूँकि 11 लोग थे तो 14,000 मांग रहे थे लोग, बट बार्गेन करके हमने इसे 12,000 में किया है। सो आइडियली देखोगे तो 1100 रुपये पर पर्सन पड़ा। रूम काफ़ी स्पेशियस है, एक रूम में 6 लोग रुकेंगे, एक रूम में 5 लोग, सो दैट बिकम्स 11। 1 नाइट का है मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत महंगा है, जी हाँ, इसलिए क्योंकि मंदिर यहाँ से 50 मीटर है। 50 मीटर मतलब कुछ भी नहीं होता, हार्डली 15-20 कदम यार। फर्स्ट क्लास वॉशरूम है आई थिंक। रहने की इससे अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी आई थिंक। कंबल भी ठीक ठाक दिए इन्होंने, ठीक ठाक है, बहुत अच्छे हैं यार। ठंड में कभी आप आओगे ना तो ठंड नहीं लगेगी, बाकी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। टाइम हो चुका है संध्या आरती का, तो हम लोग अभी फटाफट से रेडी होते हैं, चलते हैं मंदिर के दर्शन, जिसके लिए हमने पूरे दिन की सहाई किया। ट्रस्ट मी, बहुत मन कर रहा है बाबा से मिलने का। क्या बोलते हो जतिन तुम भाई? बाबा के बस पास, इतने पास आके भी अभी दूरी है, जो कम करना है आपको। अभी संध्या आरती पर हम लोग जरूर जाएंगे और बाबा केदार के दर्शन करेंगे। चलो चलते हैं। हर हर महादेव। हाँ, ये लो जी, फाइनली मंदिर के दर्शन कर लीजिए सब आप लोग। और ऐसे मंदिर में आके तो भैया पूछो मत, इतना एक्साइटमेंट हो जाता है, बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंस ही इतनी है अपने स्क्रिप्चर्स में कि क्या बोला जाए। आप लोगों को दूर से दिख रहा होगा, जैसे जैसे मैं अप्रोच कर रहा हूँ वैसे वैसे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा नमस्कार, सादा प्रणाम। और सुबह सुबह जो है 4 बजे उठ के मैंने जो है मंदिर के दर्शन किए, बहुत ही अच्छे दर्शन थे। मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली मंदिर की हिस्ट्री क्या है। जो मंदिर है वो बहुत बहुत साल पुराना है, ये मंदिर पांडवों के टाइम का है, क्योंकि इन्हें पांडवों ने ही बनाया था।
और इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब पांडव जो है महाभारत का युद्ध ख़त्म करने के बाद जब आ रहे थे तो उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना था क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को और बहुत लोगों को मारा था। हत्या करना पाप होता है, तो इस चीज़ का प्रायश्चित करने के लिए वो भगवान शिव से ब्लेसिंग्स लेना चाहते थे। जो पांडव थे भगवान शिव के भक्त थे, तो इस वजह से वो इधर आए। तो दरअसल बात ये हुई कि अब शिव भगवान को पहचाना कैसे जाएगा, तो उसमें से भगवान शिव ने जो है जो बैल है उसका रूप धारण किया और उसके बाद से जो है काफ़ी झुंड जो है यहाँ से निकलने लगा। तो भीम ने क्या किया, दोनों पैर रख लिए अपने एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी जो गाय और जो बैल थे वो डर के मारे निकलने लगे कि भगवान शिव यहीं रह गए, जो आप मंदिर देख रहे हैं यहीं पे रह गए। और जब भीम उनको पकड़ने गए अपने दोनों हाथों से तो जो भगवान शिव है वो धरती के अंदर जाने लगे, लेकिन तब तक भीम ने उन्हें पकड़ लिया था। और जो दूसरा हिस्सा है भगवान शिव का, वो पशुपतिनाथ टेम्पल में पाया जाता है नेपाल में जो है, और पीछे ही जो है वहाँ पे भीमशिला भी है। ऐसा माना जाता है कि ये भीमशिला जो है भगवान शिव की रक्षा के लिए है यहाँ पे, क्योंकि जब 2013 में जो फ्लड आया था बादल फटने के कारण, तो वहीं से पत्थर जो बहुत सारे टूट के आए थे बाढ़ में, तो वो पत्थर जो है ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसी को भीमशिला कहा जाता है। ये हमेशा भगवान शिव की रक्षा के लिए रहते हैं। उस टाइम भी आप देखेंगे वीडियो, आज भी फुटेज उठा के देख लीजिए, भगवान शिव को कुछ नहीं हुआ था, ऐसे के ऐसे ही थे, पानी जो है साइड से निकल के जा रहा था लेकिन भगवान शिव के मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो ये छोटी सी कहानी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जो है सफ़र का हो चुका है अंत, और मिलेंगे आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बताइए आप लोग कैसा लगा आपको सफ़र, और अपनी राय ज़रूर रखिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे ज़रूर टैग करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी और सोशल चम करके। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, बताइए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, एंड हर हर महादेव, जय शंभू।